अब इनकी बारी है, देखते हैं। ओ यहीं पर गिर पड़ी है तो। ओ भाई तो स्टार्ट करने से पहले गेम खत्म हो गई। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कितना बैलेंस बनता है इसको। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई अभी मैं आया हूँ मैटर वॉक एडवेंचर आइलैंड के अंदर। तो भाई यहाँ पर जो दिल्ली का पहला स्काई जंपर है वो खुल चुका है 7 मई को और आज है 8 मई। तो भाई अभी हम चल रहे हैं यहीं पर ही ट्रम्पलिन स्काई जंपर को देखने के लिए कि भाई यहाँ के टिकट टाइमिंग सब कुछ क्या है, सारी कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे और कितना मज़ा आने वाला है ये भी देखते हैं चल के। तो भाई यहाँ की अगर लोकेशन की बात करें तो भाई ये रोहिणी सेक्टर 10 में पड़ता है। इसका नियरेस्ट क्या है, स्वर्ण जयंती पार्क है। स्वर्ण जयंती पार्क के बगल में ही ये है। अगर आपको मेट्रो से यहाँ पर आना है तो भाई यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला। रिठाला मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक आप वॉक करके आ सकते हो, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो भाई कार की पार्किंग है 50 रुपये, बाइक की पार्किंग है 30 रुपये। अब अंदर चलते हैं और बाकी और डिटेल्स भी लेते हैं कि टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, ठीक है सब कुछ। तो ये सामने है एडवेंचर आइलैंड की एंट्री, तो इसके अंदर हमें चलना है। तो इसके अंदर जाके हमें ट्रम्पलिन मिलेगा स्काई जंपर। वही अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे रनवे है, एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट, तो जहाँ पे जो है स्काई जंपर ट्रम्पलिन है इसकी जो टिकट है यहाँ सामने से मिलेगी। यहाँ पर जो टिकट मिलती है यहाँ पर रनवे की मिलती है, रनवे फर्स्ट जो है हमारा एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट, यहाँ पर इसकी टिकट है और यहाँ सामने स्काई जंपर की टिकट है इधर। और ये स्काई जंपर की जो एंट्री है वो भी यहीं से ही होगी, रनवे के पास से। यहाँ पीछे आप देख सकते हो ये रनवे एरोप्लेन हमारा। तो भाई आप सामने यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है स्काई जंपर ट्रम्पलिन पार्क। तो यहीं पर ये H2O है जिसको वाटर पार्क भी बोलते हैं एडवेंचर आइलैंड का। तो H2O यहाँ पर वाटर पार्क है एडवेंचर आइलैंड का, उसी के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा स्काई जंपर। तो अब यहीं पर ही सामने चल के टिकट देखते हैं। टिकट के बारे में आपको कम्प्लीटली समझाता हूँ मैं एक बार। भाई यहाँ की जो एंट्री है दो गेट से होने वाली है। एक है रनवे वाला गेट जो मैंने आपको दिखाया था ना, एरोप्लेन रेस्टोरेंट रनवे वाला, वहाँ से आप आ सकते हो। और एक है एडवेंचर आइलैंड की जो एंट्री गेट है वहाँ से आप आ सकते हो। तो पहले मैं आपको रनवे वाला जो गेट है एंट्री गेट वहाँ से समझाता हूँ। तो अगर आप रनवे की साइड से आते हो तो आपको जैसे ही वहाँ पे टिकट काउंटर पे आप आओगे आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा एक बैंड, गोल्डन बैंड एक आपको मिलेगा, और उस गोल्डन बैंड को पहन के आप यहाँ तक आ सकते हो। ट्रम्पलिन का जो ये पार्क है स्काई जंपर, यहाँ तक आप आओगे 200 रुपये को इस बैंड में, ठीक है, उस बैंड को पहनकर। तो उस बैंड को पहनकर आप यहाँ पर तब आओगे ना, तो अंदर आपको यहीं पर ही टिकट मिलेगी। तो आप टिकट में ही उस 200 रुपये को इंक्लूड कर सकते हो, या फिर चाहो तो अंदर यहीं पर ही जो ऊपर फूड एरिया बना हुआ है तो कैफेटेरिया वगैरह, तो वहाँ पे जाके या तो उस 200 रुपये का खाना खा सकते हो आप, या फिर अंदर अपने टिकट में ही उस 200 रुपये का इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब वो जो गोल्डन टैग आपको, गोल्डन बैंड आपको मिलेगा वहाँ पर एंट्री गेट पर, ठीक है। वो जो गोल्डन बैंड होगा वो एक तरीके से एंट्री पास है यहाँ तक आने का, एंट्री से लेकर यहाँ तक आने तक का एक पास है वो, ये कह सकते हो आप। बाकी मेन टिकट यहाँ अंदर से मिलेगी आपको, उसका टिकट अभी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मतलब वो 200 रुपये एडजस्ट हो जाएगा, मेनली बात ये है। फिर चाहे आप फूड लो चाहे अपने टिकट में इंक्लूड करवाओ। तो सामने चल के आप थोड़ा सा टिकट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो टिकट का लिखा है डेली ओपन होता है, कोई भी इसका क्लोज डे नहीं है। तो ड्यूरेशन यानी कि यहाँ पे टाइमिंग लिखी है आधे घंटे के हैं आपके 450 रुपये वीक डेज़ में, नॉर्मल डेज़ में, और वीकेंड्स में वही 600 हो जाएगा, ठीक है। एक घंटे के आपके 700 रुपये और वीकेंड्स में 850 हो जाएगा। बाकी 1.5 घंटे और 2 घंटे के यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो अलाउड नहीं है। देखो मैं बता रहा था ना एंट्री वाला, मान लो आपने गोल्डन वाला बैंड आपके पास है तो आपके यहाँ पर लगेंगे 250 रुपये और 200 रुपये वो गोल्डन बैंड वाले ऐड हो जाएंगे। या फिर आपको अगर फूड लेना है तो यहाँ पे पूरे 450 देने पड़ेंगे, 200 के अंदर जाके फूड ले सकते हो। तो ये है। बाकी अगर आप एडवेंचर आइलैंड आते हो और आपका मन है कि अब यहाँ पर भी आओ तो भाई यहाँ की टिकट आप ले सकते हो यहीं से ही। सामने आप इनको देख रहे हो ये खड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये देंगे आपको गोल्डन बैंड। तो गोल्डन बैंड को पहनकर आप अंदर जाओगे, फिर अंदर जो यहाँ पे काउंटर है वह काउंटर से आप यहाँ की टिकट ले सकते हो। तो जैसा रनवे की साइड से था वैसा ही सब कुछ होगा, गोल्डन बैंड मिलेगा उसके बाद अंदर से टिकट मिलेगी। अगर आप स्काई जंपर आए हो और आपका मन है कि भाई एडवेंचर आइलैंड जाना है तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हो इधर पीछे, तो यहाँ पर जो ये काउंटर है यहाँ पर से आप टिकट ले सकते हो एडवेंचर आइलैंड की। तो एडवेंचर आइलैंड भी जा सकते हो फिर यहीं से ही। तो भाई टाइमिंग की अगर बात करें तो वीकेंड्स में जो यहाँ की टाइमिंग है यानी कि सैटरडे संडे को वो है 10:30 से रात को 10 बजे तक, और वीकडेज़ में यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ की जो टाइमिंग है वो है 11:30 से रात को 10 बजे तक। बाकी यहाँ पर आप सामने देख रहे हो ये लॉकर्स हैं, आपको अगर कुछ सामान अपना रखना हो सेफ्टी के लिए तो आप यहाँ पर लॉकर ले सकते हो। लॉकर के जो चार्जेस हैं वो हैं 230 यानी 230 रुपये,
जिसमें से आपके जो यहाँ के रेंट है वो है 30 रुपये का, 200 रुपये आपको वापस हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी के हैं। बाकी आपको यहाँ पे ये ग्रिप सॉक्स भी लेनी पड़ेंगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पैर की सिक्योरिटी के लिए भाई, ताकि भाई आप जंपिंग करोगे तो उसमें नीडेड होती है इनकी ग्रिप सॉक्स की। ये सामने यहाँ के ग्रिप सॉक्स का काउंटर है, तो ग्रिप सॉक्स जो है आपको यहीं से बिल उसका यहीं से बनेगा जो मेन काउंटर है, जिसके जो चार्ज है वो है 80 रुपीज़ के, आपके ग्रिप सॉक्स के अलग से चार्ज होंगे। बाकी यहाँ पर सामने आप देख रहे हो ये कुछ ऑफर्स हैं यहाँ के, तो भाई मैंने भी पहन लिया है ग्रिप सॉक्स और ये रही अपनी टिकट, तो चलते हैं सामने, अब यहाँ से अपनी एंट्री लेते हैं। तो भाई यहाँ से स्कैन करते हैं, इसमें भाई आपको गाइड मिलेंगे जो आपको सब कुछ बताएंगे कि टोटली कैसे आप इंजॉय कर सकते हो। तो भाई इसमें चलते हैं, सामने ये वाली आपको राइड दिखाई दे रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई यहाँ पे ये वाली स्लाइड है, इसका नाम डोनट है, डोनट स्लाइड है ये, तो डोनट स्लाइड में भाई करके दिखा रहे हैं हमें पहले। तो अब हमारी बारी है डोनट स्लाइड में एंजॉय करने की, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पर ये पूरा एरिया है फॉर्म फिट एरिया, और सामने ये बैलेंस बीम है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर बैलेंस बनाना होता है, बाय चांस आप यहाँ पे गिर जाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लगने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें आराम से गिरोगे। अच्छा वहाँ से हम क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तो क्लाइंब भी कर सकते हो, और क्लाइंब करने के बाद मान लो आप छूट जाते हो, गिर जाते हो, तो ये देखो लगने का कोई चांस ही नहीं है, आराम से कूदो, ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है फॉर्म फिट एरिया है, यहाँ पे रोलर है, इसके ऊपर भी हम चल सकते हैं, तो सारा इंजॉय भी करने वाले हैं। बाकी वहाँ पे देखो रॉक टांग रखी है। तो भाई हम चलते हैं यहाँ पर बैलेंस बीम की तरफ, अब बैलेंस बनाना है इसके ऊपर, देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। फिसल गया मेरा। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेंड सर्कल में आते हो तो बहुत मज़ा आने वाला है आपका, क्योंकि तब थोड़ा हरकतें करते हैं ना, एक लोग परेशान कर रहा है, एक चल रहा है, तो काफ़ी मज़े आते हैं ऐसे। तो भैया भाई बता रहे हैं रोलर मेरे बस की नहीं, एक बार ट्राई तो करो, ट्राई करो एक बार, तो देखते हैं भाई कि रोलर कर पाते नहीं कर पाते, करो करो। ओए ओए कर लिया कर लिया, ओहो गिर गया भाई। हाँ बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन कोई नहीं भाई, रोलर में अब मैं भी चलता हूँ, भाई तो भाई गिर पड़े वहाँ पे जाके, तो अब देखते हैं मैं गिरता हूँ कि नहीं गिरता हूँ, वैसे यहाँ पर तो गिर गया था मैं, तो उसमें चलते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ना गिरूँ। तो चलते हैं भाई, देखते हैं कितना बैलेंस बनता है इसके ऊपर, भागते भागते। हाँ वंस मोर तो सर हमारे भी कर नहीं पाए, बीच में ही डिसबैलेंस। तो भाई यहाँ पे मैं गिर गया हूँ, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं बना पाया, तो यहाँ पे पीछे चलते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो काफ़ी मज़ेदार है यार, बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल है यहाँ पर। तो भाई बहुत मज़ेदार है ये सब, सांस फूली हुई, तो काफ़ी मज़ेदार है, पर ज़्यादा मज़ा तभी आएगा जब आप फैमिली में आओ, फ्रेंड्स में आओ, भाई बहन सारे साथ में, या फिर फ्रेंड वगैरह आपके साथ में, तो मज़ा आएगा, ठीक है। मुझे सूट करना था, आपको दिखाना था, इसलिए मैं अकेला आया हूँ, तो ग्रुप में आना भाई। देखो रोलर पे जाने की हिम्मत दिखाने वाले हैं, जाओ भाई जाओ, स्पीड में जाना, स्पीड में रन करके, हाँ देखते हैं, जाओ भाई जाओ। तो भाई ये जाने वाले हैं, देखते हैं ये कर पाते कि नहीं कर पाते। ओ भाई साहब गिर गए, तो वहाँ पे गिर पड़े, काफी मुश्किल होता है इसके अंदर बैलेंस बनाना, तो इनकी बारी है, देखते हैं। ओ यहीं पर गिर पड़ी है, तो ओ भाई तो स्टार्ट कर लेते, पहले गेम खत्म हो गई। तो भाई अगली बारी आ चुकी है यहाँ पे रॉप की, तो पीछे भाई है, रॉप करके दिखाएंगे, आई मीन आगे भाई है, चलो भाई करो। ओ
इसमें गिरने के बाद निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पैर धंसते नीचे, तो सांस फूल गई इसमें। तो करो भाई करो, 1 2 3 वो सक्सेस। तो ये अपनी बारी है, चलते हैं 1 2 3 वो। हाथ फिसल गया यार बीच में। बाकी भाई रॉक के बाद यहाँ पर है हैंगर, तो हैंगर पे भी आप इंजॉय कर सकते हो। छोड़ दोगे एकदम से नीचे गिरोगे, यहाँ पे नीचे गिरने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर मज़ा आ रहा है भाई। यहाँ की जो बढ़िया बात है वो ये है कि ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ये हमारे लिए है, और यहाँ जो पीछे मैं आपको एरिया दिखाऊँ, आप एरिया देख रहे हो यहाँ पे पीछे, ये बच्चों के लिए है। यहाँ पूरे बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, किड जोन है ये पूरा। तो ये हमारे लिए था पूरा, हम एडल्ट के लिए। वहाँ सामने ये था बच्चों के लिए, ये वाला एरिया। तो ये भाई खड़े एक बार, भाई ये रीज़न क्या है, अलग अलग बनाने की ज़रूरत क्या है? ये सर एक्चुअली क्या होता है, हमारे वेट में और बच्चों के वेट में काफ़ी अंतर होता है। बच्चा और बड़ा जो है एक बार जंप करता है तो बच्चा आके सीधा मतलब फेस पे ना लगे या मतलब इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा अलग। अच्छा अच्छा, वेट का मतलब वेट के लिए है ये थोड़ा है। तो यहाँ पे वेट वाली थोड़ी बात है, बच्चों का वेट कम होता है, हमारा वेट ज़्यादा होता है। एरिया देख रहे हैं पूरा जंपिंग एरिया है, यहाँ पे आप जंपिंग करते हैं। भाई पहले आप करके दिखाओ यार जंपिंग, उसके बाद मैं करूँगा। बढ़िया से करना, मज़ा से आ जाए। वो भाई खड़े हो गए ऐसे। ये देखो भाई वहाँ ऊपर से जंप लगाएंगे। ओहो ये अमेजिंग यार, ये मैं ट्राई करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या है, इसको एंजॉय करने के लिए आपकी बॉडी जितना स्ट्रेट है उतना बेटर है। अगर बॉडी आपकी मतलब बैंड होती है थोड़ा बहुत भी, तो आपकी इंजरी हो सकती है या फिर सही से आप कर नहीं पाओगे। तो स्ट्रेट अपनी बॉडी को रखना है। देखो जैसे ये बता रही है, ये देखो देखो बॉडी पूरी स्ट्रेट है ना, देखो बिल्कुल आराम से, ये देखो। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना, ठीक है? फैमिली फ्रेंड्स में थोड़ा शेयर करो, 4 5 7 8 जितने लोगों को कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अब यहाँ पे पीछे मैं करूँगा जंपिंग। जंप करते हुए पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना मुश्किल हो जा रहा है, मैं भी नहीं कर पाया। ट्राई करते हैं, ये ट्राई कर रही है सामने, मुझसे तो बेटर कर ले रही है यार। ये वाला आप देख रहे हो, इसका नाम है वाइप आउट। तो वो भाई करके दिखा रहे हैं पहले, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा। वैसे तो हो नहीं रहा मुझसे कुछ भी। अच्छा ये इजी सा लग रहा है थोड़ा, ये ट्राई करते हैं। तो भाई वो वाली तो मैंने कर ली क्योंकि आसान थी वो, बाकी ये सारा नहीं हो रहा यार, बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका नाम वैसे लिखा हुआ है स्काई वॉली। तो क्या होता है इसमें, एक टीम यहाँ रहती है। अच्छा, एक टीम यहाँ रहती है और एक टीम यहाँ, क्या करते हैं फिर? पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा बॉल फेंकते हैं, तो इस तरीके से बॉल फेंकते हैं। अच्छा काउंट होगा वहाँ पर कितना गया है। अच्छा 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 अच्छा, जितने में जाएगा मतलब उतने पॉइंट ऐड हो जाएंगे। मान लो 5 पे गया तो 5 पॉइंट। अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया है ये गेम। ये देखो एक, अब यहाँ पे 2 में डाल के दिखाना है एक बार। तो ये देखो ये 2 में डाल दिया, 3 हो गए। तो ये वाला जो एरिया है ये प्रोफेशनल एरिया है। यहाँ पर क्या है, जो प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट जो है ना वो यहाँ पर जंप कर सकते हैं आकर। हाई जंप करके दिखाएंगे हमको यहाँ पर। भाई यहाँ पर तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पर ये देख रहे हो ये वॉलीबॉल है। यहाँ पर क्या है, आपको जंपिंग करते करते बॉलों को मतलब जो जल्दी फिनिश कर देगा अपने इस एरिया को बॉल ऐसे करके, तो जो जल्दी मतलब बॉल उस साइड पहुँचा देगा वो विनर होगा। वो
ये वाला आप पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा बच्चों के लिए है जैसा कि बताया था मैंने आपको, तो इस पोर्शन पे मैं नहीं जा रहा। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ का कैफेटेरिया है जहाँ पर आप मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह फूड वगैरह ले सकते हो। पर ये वर्टिकल स्लाइड है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगी, अभी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चालू है। तो भाई उम्मीद है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वाले ब्लॉग के अंदर मिल गई होगी और ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा और चैनल पर आए थे पहली बार तो कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब और बेल आइकन का ऑप्शन होगा उस पर कर लीजिए ऑल पे क्लिक। उसी के अलावा इस ब्लॉग को कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर। एक बार क्राउड देखो यहाँ पर, ये देखो एडवेंचर आइलैंड में कितना क्राउड हो रहा है। तो भाई देख सकते हो आप हमारा एडवेंचर आइलैंड वाला ब्लॉग भी। बाकी अगर आप चाहो तो हमारा एडवेंचर आइलैंड वाला ब्लॉग भी देख सकते हो जिसको 60K लोगों ने देख लिया है, 60,000 लोगों ने देख लिया है। उसी के अलावा यहाँ का जो वाटर पार्क है जो यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो S2O, ये तो इसका भी हमने ब्लॉग बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाकर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।